सो हाई एपिसोड विद मी आर्श्योर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इर्मा आनंद के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जो कि रूलर मैनेजमेंट के लिए एक कॉलेज है विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात सो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है प्लेसमेंट्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में सो लेट्स गेट स्टार्टेड I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb. So let's get started with this episode जहाँ पे सबसे पहले eligibility criteria है that graduation में 50 percentile अगर आप general category के हैं, SC, ST के हैं तो 45 but 50 percentile पे call नहीं आते हैं because majority of colleges जितने भी हैं India में जो थोड़े से अच्छे colleges हैं उन colleges में 60 से कम percentile पे तो अगर आपके 10th level graduation में नहीं है तो call आने के chances in any case नहीं होते हैं

यू uh, नो you know, अगर हम फर्स्ट स्टेज की शॉर्टलिस्टिंग की बात करें कैट जैड के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं राइट एक एंट्रेंस एग्जाम आपको लगेगा देन उसके बाद यू नो सेकेंड स्टेज में आपका जो यू you नो know, जो कैट जैड के अलावा है उसमें आपका अकेडमिक्स देखा जाएगा जैसे उन्होंने फिफ्टी परसेंट टाइल कहीं ना कहीं लिख रखा था कि यू नो फिफ़्टी परसेंट टाइल मिनिमम होना चाहिए बट एटलीस्ट डिसेंट अकेडमिक्स होना चाहिए कैट में आपका परसेंट टाइल जो है वो एटी एटी फाइव जो है यूजली कट ऑफ जाता है इर्मा का इस साल एक्सपेक्टेड है एटी फाइव

अब ऑनलाइन रिटर्न एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं विल बी कॉल्ड फॉर दी नेक्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन वेयर दे हैव टू अपेयर फॉर एन ऑनलाइन कैंडिडेट विल नीड टू राइट अबाउट

MBA के टाइम पे क्या होता है दे दया जीस क्वेश्चंस व्हाई एमबीए टेल मी अबाउट योरसेल्फ यहाँ पे वो क्वेश्चंस तो हो सकते हैं बट व्हाई यू वांट टू डू एमबीए या फिर लेट्स से पीजीडीएम इन रूलर मैनेजमेंट ये क्वेश्चन किया जा सकता है बिकॉज़ इनका कोर्स यूनिक है इसके अलावा आप रूलर मैनेजमेंट से समझते क्या हैं कि आपको पता है आपको किस तरह से काम करना पड़ेगा राइट right? आप ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा किए जा सकते हैं जहां पे तो in right? so, इससे uh, जो हैं वो कहीं ना कहीं असेस करेंगे मैनेजर एबिलिटीज कम्युनिकेशन देन उसके बाद सुबिलिटी फॉर द इंस्टीट्यूट प्रोग्राम जैसे मैंने आपको इलेबरेट किया इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट दीजियम आर एन केटर्स टू अ वेरी स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस right? in ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अगर आप इस कॉलेज के इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आता है आपने अप्लाई किया है तो ये कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है कि आप उस प्रोस्पेक्ट से कहीं ना कहीं तैयारी करके जाए फाइनल सिलेक्शन का वेटेज है जहाँ कैट इज एट एंड थर्टी फाइव परसेंट सीमाट को वेटेज दिया जाता है पर्सनल इंटरव्यू को थर्टी वन फाइव परसेंट का वेटेज है रिटन एबिलिटी टेस्ट को फाइव परसेंट का वेटेज है अकेडमिक परफॉर्मेंस को फाइव परसेंट का वेटेज है टेंथ को वन पॉइंट फाइव ट्वेल्थ कोशन को टू परसेंट का वेटेज है जेंडर डाइवर्सिटी को अगर आप फीमेल हैं थ्री पॉइंट फाइव परसेंट आपको मिल जाता है फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स राइट मेल को कुछ भी नहीं मिलता है तो ये कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन है रीजन डाइवर्सिटी फाइव परसेंट अगर ए कैंडिडेट कैन प्रोवाइड प्रूफ ऑफ हैविंग पास टेंथ अ स्कूल लोकेटेड इन एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली टू मार्क्स इन दियर फाइनल स्कोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रेसिडेंट्स को थ्री मार्क्स मिलेंगे अगर वह एक बैलेट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स डाइवर्सिटी को यू नो वन पॉइंट फाइव परसेंट का वेटेज है अन्डिडेट कैंडिडेट विदर्नमेंट सर्टिफिकेट ऑफ दियर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल

राइट right, आपके पास दो साल से ज्यादा का है फोर परसेंट वेटेज है तो ये कही न, कहीं ना कहीं वेटेज दिया है जो आपको इवन लेट्स से आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो बाकी जगह उसको बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेटेज है ये उनका बैच प्रोफाइल है ट्वेंटी इंजीनियर्स फीमेल ट्वेंटी मेल सेवेंटी कॉमर्स के सेवन परसेंट है फूड एंड डेयरी टेक के ट्वेल्व परसेंट है एग्रीकल्चरल यू नो अलाइड के सबसे ज्यादा स्टूडेंट दैट इज बेसिक साइंस हैदर्स सेवन परसेंट है तो

टोटल स्टूडेंट्स इन प्रोसेस टू फोर्टी नाइन देन पार्टिसिपेंट प्लेस्ड टू फोर्टी नाइन हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट ऐसा ये बता रहे हैं एंड नाइनटीन प्लेसमेंट ऑफर्स हैं। अब ये सैलरी पैकेजेस है जो मीन सैलरी फोर्टीन पॉइंट थ्री थ्री मीडियम सैलरी इन लाख फिफ्टीन लाख हाईएस्ट सैलरी दैट इज ट्वेंटी लोवेस्ट सैलरी ऑफर इज एट लैक्स राइट उन्होंने काफी स्पेसिफाई किया है मैक्सिमम कॉर्पोरेट ट्वेंटी मैक्सिमम डेवलपमेंट इन लैक्स फिफ्टीन फाइनल प्लेसमेंट कहीं ना कहीं यह है जहां पर मीडियम सैलरी जो है दैट इज फिफ्टीन इन लैक राइट इंडस्ट्रीज फूड एंड एग्री बिजनेस बैंकिंग फाइनेंस कंसल्टिंग एन सर्विसेज कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेल सी एस आर एंड सोशल बिजनेस डेवलपमेंट अदर्स ये सारी कंपनीज है जो प्लेसमेंट लेके आई जहाँ पे सबसे ज्यादा प्लेसमेंट जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर्स में फ़ूड एंड एग्री बिजनेस में जो है 24% का प्लेसमेंट गया बाकी देन सीएसआर एंड सोशल बिज़नेस में 14% का प्लेसमेंट है बाकी सब में यू नो थ्री परसेंट फोर परसेंट वन परसेंट का कहीं ना कहीं प्लेसमेंट है